शीला शीला प्लीज मत रो ना करे प्लीज अच्छा ना अच्छा रिश्ता आ जाएगा कोई नहीं इस घर में सबकी शादी है दो दो शादी है ये मेरी एक शादी भी नहीं कोई होने देगा कैसे जलील करके निकालती है फिजा भाभी दिस इज नॉट फेयर जो भी था आपको उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी मैंने इंसल्ट किया भला जी आपने की है आपने उनकी हरकत नहीं देखी है कर क्या रहा था ताड़े जा रहा था मुझे बदतमीजी कर रहा था घूर घूर के देख रहा था क्या हुआ मेहमान कहाँ गए फिजा भाभी ने उनकी इंसल्ट करके उन्हें घर से निकाल दिया धक्के देके क्या मतलब फिजा भाभी व्हाई यू डिड दिस शराज वो इसी काबिल थे तुम्हें नहीं एहसास किस काबिल थे वो घटिया लोग थे शीला की शादी ऐसे लड़के से नहीं कर सकती ऐसे घर में नहीं कर सकती मैं मम्मी ने आपको इख्तियार दिए इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ नाइंसाफी करें इसने हमारे लिए कितना कुछ किया और आप जब उसकी खुशी का वक्त आया तो आपने ये सब किया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी फिजा जी आपके इस घर में आने से मैं कितनी खुश हुई थी लेकिन लेकिन आपने आपने अच्छा नहीं किया शीला मेरी बात तो सुन लो यार कर दिया ना उसको नाराज उसके सामने क्या जरूरत थी बैठ के बोलने की सनिया तुम्हें पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम आपको है आप पता नहीं क्यों इस घर की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकती सुनो ये खुशियां तुम्हारी ये वाली खुशियां हम्माद के साथ रहने वाली उसके साथ शादी करने वाली खुशियां भी मेरी बदौलत है अगर मैं सैड ना लेती ना तो तुम्हारी कभी शादी ना होती हम्माद से फिजा भाभी आप मेरी बीवी से इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती और तुम मेरी भाभी से ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते आई समझ ये औरतों का मामला है स्टे आउट ऑफ इट चलो सनिया जिस घर में लोगों को रिश्तों का पास नहीं हमें भी उनके साथ रहने का कोई शौक नहीं चलो सनिया शराज कुछ नहीं भाभी ये तो फर्स्ट था मेरा थैंक यू इसलिए कहा कि इस घर में बहुत से लोग अपना फर्ज भूल बैठे हैं मैं उनमें से एक नहीं हूँ थैंक यू मैं जरा शीला का मुंह देखूं नाराज होके चली गई हाँ हाँ देखिए बट सीरियसली मेरा इंटेंशन ये कोई बात नहीं भाभी आप शीला को देखें थैंक यू शराज फिजा भाभी आपसे तो आप बनाकर रखनी पड़ेगी क्या करूं हवाओं का रुख मेरे ऑपोजिट है इस घर में थोड़े से वोट तो अपने चाहिए ना बात कर रही बस तुम भी मुझे गलत समझ रही हो आपने आपने इस तरह क्यों किया पासा शीला जी क्या हो गया तुमने उस लड़के को देखा था वो तुम्हारे काबिल था तुम उससे अच्छा डांस करती हो अजीब ही मखलूक था कोई वो तुम इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत इतनी गुड लुकिंग हो और अब तो वैसे ही तुम्हारी सेनाबाजी की क्रीम्स लगा लगा के और खूबसूरत गोरी चिट्टी हो गई हो वो लड़का तो बिल्कुल लड़कियों जैसा था ऐसे देखो बाजी और तुमने सुना नहीं कितनी बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ छी 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 लेकिन फिजा बाजी मैं एक चीज सोच रही हूँ देखे ना इतनी मुश्किल से मेरा रिश्ता आया है सबकी दो दो शादी हो गई है अब तो इस घर में किसी की शादी होना बाकी नहीं है तो ये रिश्ता भी चला गया है अब और कोई रिश्ता ना आया और मैं शादी के लिए लेट हो गई तो फिर क्या होगा अरे फिकर ना करो मैं कराऊंगी
तुम्हारी शादी। सच्ची? और वो भी किसी सलमान खान टाइप लड़के से। सच्ची फिजा बाजी, आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम देखना, तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कराऊंगी। तुमने हमारी इतनी खिदमत की है, हमसे इतना प्यार किया है, हमारे पूरे घर के मसलों को, खुशियों को अपना समझा है, तो तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं होगी तो और किसकी होगी? कितनी अच्छी हैं आप फिजा बाजी, कितना मेरा ख्याल करते हैं सब लोग, कितना प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा आप करती हैं। तुम हो भी बहुत अच्छी। सच्ची? आप भी कितनी प्यारी हैं, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। चलो अब मेरे कंधे दबाओ, उसको मार मार के मेरे कंधों में दर्द हो गया। अब शादी कब करनी है मेरी, मुंह भी बता दे। लेट करवा दूंगी, करवा दूंगी। जल्दी करवानी है प्लीज, अब मैं लेट हो रही हूँ, और मैं तो सपने देखते कि ना पागल हो गई। अब ज्यादा